गाइस, आई एम मेघा जैन और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे सैम इन्फॉर्मेशन हब पे। जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़ हम कोई ना कोई एक टॉपिक ज़रूर लेके आते हैं जिसकी वजह से आपको हेल्प हो कि आप अपने और अपने बच्चे के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग बिठा पाए, या फिर कोई भी आपको डेली रूटीन में कोई भी बच्चे के साथ प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम आप जल्दी से सॉल्व कर पाएँ। तो यही सारी चीज़ों को लेके आज हमने जो एक टॉपिक लेके आए हैं वो है कि बच्चा क्यों जल्दी जल्दी खाना छोड़ देता है, उसके क्या कारण हैं। आज हम इन्हीं सारी बातों पे डिस्कस करेंगे। आइए अपना टॉपिक जल्दी से शुरू कर देते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। थैंक यू। आप जैसा कि जानते होंगे कि बहुत ज़्यादा सर्दी होने पर और बहुत ज़्यादा गर्मी होने पर, या फिर इसका एक कारण और है कि जब बच्चे के दांत निकलने वाले होते हैं, कोई ना कोई बच्चे का दांत निकलने वाला होता है, तब भी बच्चे खाना छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है, किस वजह से बच्चा खाना छोड़ता है और हम क्या ऐसी चीज़ें करें कि बच्चा खा भी ले, आपका काम भी हो जाए और बच्चे का पेट भी भर जाए। ठीक है, हम अपना टॉपिक आगे तक लेके जाते हैं। मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगी, हम अपना टॉपिक लेके आते हैं। देखिए, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, तब भी बच्चा खाना छोड़ देता है। रीज़न बीइंग, आपने अपने आप पर ही ये चीज़ अप्लाई कीजिए। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, क्या आपका खाना खाने का मन करता है? आपका क्या मन करता है जब बहुत ज़्यादा सर्दी या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है? आपका मन करता है कि आप जितना हो सकता है लिक्विड फॉर्म में लें। एटलीस्ट गर्मी में तो आपका मन ही करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में लें। आप भी खुद नहीं चाहते कि आप भी सॉलिड खाना खाए। जब आपका खुद ही ये नहीं मन करता है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका बच्चा सॉलिड फॉर्म में ज़्यादा खाना खाए? तो यही सारी बातें हैं। दूसरा, जब बच्चे के दांत निकलने वाले होते हैं, आपने कभी सोचा है जब बच्चे के दांत निकलने वाले होते हैं तो वो खाना क्यों छोड़ देता है? बच्चे के दांत निकलने की वजह से उसकी ये सारी चीज़ें दुखती हैं, उसके जितने गम्स वगैरह होते हैं वो सारे पेन करने लगते हैं। पेन करने की वजह से बच्चा कुछ भी चबाने में असमर्थ हो जाता है, वो नहीं खा पाता है। अगर आपके किसी एक दांत में प्रॉब्लम हो तो क्या आप खा सकते हैं? जब आपके एक दांत में प्रॉब्लम होती है, जब आप नहीं खा सकते, तो आप बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बच्चे तो बहुत छोटे नन्ही सी जान होते हैं। तो मैं वही आपके साथ कहना चाहती हूँ कि बच्चे या तो बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी या फिर जब बच्चे के दांत निकलने वाले होते हैं तब बच्चा खाना बिल्कुल छोड़ देता है। अब बात आती है कि हम क्या ऐसी डाइट दें बच्चे को कि बच्चे का पेट भी भर जाए और आपका काम भी हो जाए। आपने देखा ही होगा, अगर मैं आपको दो लोगों में कंपेयर करके बताऊँ तो मैं आपको ऐसे बताती हूँ, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है आप क्या करते हैं? आप या तो सेमी सॉलिड खाते हैं या फिर आप लिक्विड लेते हैं। सॉलिड आई थिंक सो कि कोई खाता होगा। तो वही चीज़ हम बच्चों के साथ अप्लाई करेंगे। क्या होता है जब आपके दांत किसी एक दांत में पेन हो जाता है, आप क्या करते हैं? सेमी सॉलिड खाते हैं या लिक्विड फॉर्म में खाते हैं? तो वही चीज़ हम आज बच्चों के साथ करेंगे। मैं आज आपको बताती हूँ कि क्या क्या दे सकते हैं कि जब बच्चा सब कुछ खाना छोड़ दे, जैसा कि मैं अपने बच्चे आदिक के साथ करती हूँ। आप बच्चों को दे सकते हैं बेसन का पूड़ा। सेकेंड, आप बच्चों को दे सकते हैं आटे का पूड़ा। थर्ड, आप बच्चों को दे सकते हैं सूजी की खीर। फोर्थ, आप बच्चे को दे सकते हैं दूध का दलिया। फिफ्थ, आप बच्चे को दे सकते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स में आप वाटरमेलन दे सकते हैं, बनाना दे सकते हैं, एप्पल प्यूरी दे सकते हैं। प्यूरी में आप कुछ, प्यूरी के फॉर्म में आप कुछ भी दे सकते हैं। आप बच्चे को जितना हो सकता है सेमी सॉलिड या लिक्विड दीजिए, जितना भी हो सकता है। मैं अपने आदमी को सब चीज़ें देना, अगर आप बच्चे को सॉलिड देंगे भी तो आपका बच्चा वॉमिट कर देगा। तो आपका ये तरीका तो बिल्कुल गलत है कि अगर आपका बच्चा नहीं खा रहा है तो आप ज़बरदस्ती उसको खिला रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी बच्चा खाना छोड़ दे उसको सॉलिड मत दीजिए। आप उसको सेमी सॉलिड दीजिए, आप उसको लिक्विड दीजिए, आप उसको फ्रूट्स दीजिए, आप उसको फ्रूट्स की प्यूरी दीजिए। इन चारों में से आप कोई भी चीज़ अपने बच्चे के साथ फॉलो कर सकते हैं। इस तरीके से आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आज की ये वीडियो और आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारे सारे के सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप हमारी वीडियो से कितना सेटिस्फाइड है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो नेक्स्ट वीडियो में आप हमारे से चाहते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग सैम इन्फॉर्मेशन। हाँ थैंक यू।